आपके क्वेश्चन है कि हमारे भारत के पड़ोसी देश सात हैं, तो ये जो सातों पड़ोसी देश है हमारे भारत के कितने राज्य को टच करने का काम करती है। चलो कवर करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पहले मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर चार क्षेत्र ही थे, चार राज्य ही थे, लेकिन अब आपके हो जाएंगे यहाँ एक बढ़ जाएंगे, कौन सा? तो लद्दाख। इट मीन्स यहाँ पर आप आंसर अगर राज्य बोले तो चार यूटी बोले, सॉरी एक दो तीन, हाँ यहाँ पर राज्य बोले तो तीन, यूटी बोले तो दो, इट मीन्स क्षेत्र बोले तो पांच, याद रखेंगे। तो बताओ पाकिस्तान कितने राज्य को छुई? तो तीन। कितने यूटी को? दो। कुल कितने क्षेत्र को? तो पांच। अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे कि पाकिस्तान को कौन क्षेत्र छूती है या नहीं छूती है, फोकस कीजिए, अब देखिए आंसर में बने रहिए। नेक्स्ट है अफगानिस्तान कितने राज्य को छूती है? तो देखो पहले जम्मू कश्मीर आंसर होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अगर बोले तो आपका आंसर, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके आंसर देखने को मिलेंगे राज तो होगा नहीं, हाँ यूटी बोले तो लद्दाख को छूने का काम करती है। तो यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिए गए हैं 3+2, यहाँ लद्दाख होने यूटी, तो आपको नोट्स भी दिए गए हैं बायलिंगुअल में, कोई दिक्कत नहीं है और आप बने रह सकते। अच्छा उसके बाद देखोगे तो पाकिस्तान में देखा 5, 3+2, अफगानिस्तान में देखा आपने 1, और चाइना की अगर बात करेंगे तो चाइना पे फोकस कीजिए जी। आप देखोगे उत्तराखंड, पहले राज देख लीजिए, 1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, 1, 2, 3, 4 and 5, मतलब 4+1=5। तो एक जगह जब मैंने क्वेश्चन समझा दिया है 3+2=5, तो 4+1=5 कैसे, ये तो बता सकते हैं। तो सोचिए चाइना किस केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है? तो लद्दाख। नहीं देखिए मैप से कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब भाई नेपाल, और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल पर फोकस करते हैं, काउंट कर लीजिए करेंगे। आप देखो उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, देखिए पश्चिम बंगाल यार थोड़ा सा है, और 5 में सिक्किम, इसका मतलब नेपाल 5 राज्यों को छूती है, ठीक है, नेपाल 5 राज्यों को छूती है। तो उत्तराखंड है तो यूपी याद हो जाएगा क्योंकि उसी से अलग हुआ, ठीक है। सिक्किम तो बगल में हो तो इसे ही याद होगा, बिहार भूलोगे नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता बंगाल में, तो बंगाल भी याद होगा, ठीक है। अभी भूटान की बात करते हैं, ठीक है, तो भूटान कितने देश को टच करती है? तो आप देखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल 2, असम 3, और अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान 4 राज्य को टच करती है, इसको याद रखने के लिए सपा बोल सकते हो, सपा जैसे हिंदी में बोलते हैं सपा, समाजवादी पार्टी, लेकिन अंग्रेजी में सपा लिखना है। तो एस से सिक्किम, पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भूटान 4 राज्य को छूती, इसको याद रखने के लिए सपा। अभी म्यांमार है, म्यांमार की अगर बात करेंगे तो ये 4 राज्य को छूती है, पहले भी बता दिए थे, इसके लिए कोड क्या बताए थे? अरुणा मामी, कौन मामी? अरुणा मामी। देखो अरुण का अरु बोलो तो अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर सीक्वेंस में देख लीजिए, सीक्वेंस में आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देखिए है जी, तो गया। अब पश्चिम बंगाल बोले तो बांग्लादेश की बात करते हैं,
किस देश की बात करते हैं? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश आप मैप से भी याद रख सकते, देखिए यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक बांग्लादेश, देखिए मतलब बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों देश मिजोरम के पास ठीक टच करती हैं, है ना। इसका तो बांग्लादेश से लोग मिजोरम भी चले जाए, सॉरी म्यांमार भी घुस जाए। अच्छा तो यहाँ बहुत बड़ा ई बना रहेगा दोनों के बीच, देशों के बीच बॉर्डर नहीं। तो अब इसको ये बांग्लादेश कितने राज को छूती है? 5 राज को। इसको याद रखने में जैसे AMPM बोलते हैं ना, तो यहाँ पर याद रखिए AMTM। और बांग्लादेश क्वेश्चन है तो पश्चिम बंगाल तो टच करेगी, ये तो भूलोगे नहीं, तो AMTM पश्चिम बंगाल, तो और तो मिल गया। अब देखिए देखकर वर्क कीजिए, पश्चिम बंगाल है ठीक है, थोड़ा सा मिटा रहे सबको, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। और तो देखिए पश्चिम बंगाल अब AMTM पे काम करते, ए बोले तो असम, देखिए यहाँ एम बोले तो मेघालय, टी बोले तो त्रिपुरा, और एम बोले तो मिजोरम। देख लीजिए कहाँ टच कर रहे, देखिए देखिए दिख रहा ना जी, मिजोरम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है ना जी, देखिए देखिए ब्लू कलर का, देखिए मेघालय दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखिए असम 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 दिखा। तो आपको यहाँ पर कोड भी मिला AMTM पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश 5 को छुई, नेपाल 5 को छुई, चाइना 5 को छुई ठीक है, बांग्लादेश सॉरी पाकिस्तान भी 5 को छुई। लेकिन याद रखना 5 बोले तो 3+2, चाइना 4+1, ऐसे याद रखना। तो अब क्या है इसका, तो ज़्यादातर तो 5 ही 5 दिख रहा जी, 7 पड़ोसी देश में 1, 2, 3, 4, 4 तो 5 राज्यों को टच करती है। सबसे कम हो गया अफगानिस्तान, ये तो भूलोगे नहीं। तो बचा 2, तो 2 में दोनों चार-चार राज्यों को टच करती है, 2 में दोनों चार-चार राज्यों को टच करती है। अब आपके क्वेश्चन होंगे कि नेपाल किसको टच करती है या नहीं, बांग्लादेश किसको टच करती है या नहीं, किससे संबंधित है या नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, इस मुद्दे पर बने रह सकते हैं, क्लियर।